children, welcome to English class. So children, today our lesson is chapter 12, our tree. So trees are our best friend, isn't it? पेड़ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं. Trees हमें कई प्रकार से सहायता करते हैं. We get everything from the trees only. Fresh air, जो हम हवा सांस लेते हैं, oxygen, वो हमें पेड़ों से ही मिलता है. हमारा food, हमारे फल, हमारे वेजिटेबल्स, हमारे जो चावल दाल, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, ये सब ट्रीज एंड प्लांट से ही हमको मिलते हैं. सो ट्रीज हेल्प गिव्स अस मेडिसिन ऑल्सो, पेड़ों से हमें दवाई भी मिलते हैं. ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स ऑल्सो, जितने मीठे मीठे आम हम खाते हैं, एप्पल, ऑरेंजेस, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज एंड डिफरेंट अदर प्लांट्स. सो पेड़ पौधे, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे वह क्लाइंबर्स हो या हर्ब्स या शर्ब्स, छोटे पौधे बड़े पौधे सारे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. वह सारे हम इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. ओके चिल्ड्रेन, ट्रीज गिव्स अस रेन ऑल्सो. आपको पता है पेड़ों से हमें बारिश भी मिलती है. पेड़ों की सहायता से हमारे जो काले काले बादल होते हैं वह ठंडे हो जाते हैं और वह बारिश के रूप में हम पर बरसते हैं. सो देखा आपने पेड़ हमें कैसे मदद करते हैं इतनी सारी अलग अलग चीज़ों से. सो चलिए आज का हमारा जो लेसन है अवर ट्री, ये हम रीड करते हैं और जानते हैं हमें पेड़ किस प्रकार से मदद कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक का ये पेज है अवर ट्री, यूनिट 6 का चैप्टर. ओके, सो एवरीबडी टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड सी इन द पेज. सो our tree, our, our, tree, tree, our tree. Listen and read. बहुत ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप रीडिंग भी करिए. So, a little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and berry seeds fall. सो बड़ा ही अच्छा पैरा है जिसमें क्या बताया गया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में एक बर्ड है ब्लू कलर का. सो अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन अवर ट्री. सो एक छोटी सी बर्ड है जिसने एक पेड़ के ऊपर एक फल देखा, बड़ा पका हुआ सा फल देखा उसने. एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी. सो उसने जैसे ही उस फल को देखा, पके हुए फल को, RIPE, राइप का मतलब पकना, एक पका हुआ फल. ओके, सो जैसे ही उस बर्ड ने पेड़ के ऊपर पके हुए फल को देखा, उसने उस टेस्टी बेरी को खाया. एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी. सो कौन सा फल है? बेरी, BERRY, बेरी, ये भी एक फ्रूट है. द बर्ड फ्लाइज टॉल. उस बर्ड ने उस फल को खाने के बाद वो एक लंबी सी उड़ान भर के उड़ने लगा. एंड अ बेरी सीड्स फॉल. और जैसे ही उसने लंबी सी उड़ान भरी, जैसे ही उसने फ्लाई किया, उसका बेरी नीचे गिर गया. एंड अ बेरी सीड फॉल. उसका बीज, बेरी का जो सीड है, बीज है, वह उसके मुंह में से नीचे गिर गया. द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन. क्लाउड्स, रेन एंड सन, अवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन. सो अब जैसे ही उसके मुंह में से बेरी गिरा, वह बेरी जाकर ज़मीन पर गिर गया. ओके, सो जैसे ही वह ज़मीन पर गिरा, वह बहुत दिनों तक उधर ही रहा. द रेन हैव कम. कुछ दिनों के बाद अब बारिश आई. हरी लेट्स रन. सो जैसे ही बारिश आई, बच्चे सब खुश हो गए. सो उन्होंने कहा, चलो चलो जल्दी चलो भागें. क्लाउड्स, रेन एंड सन. सो क्लाउड्स, बादल आए, बारिश आए, और सन, सूरज भी है. अवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन. और जब इन बारिश के आने के वजह से, सूरज दादा की वजह से, और क्लाउड्स, इन सब की वजह से क्या हुआ है, हमारा जो सीड का, बेरी का जो सीड था जो ज़मीन पे गिर गया था, अब वो वहाँ पे उग गया है. उसको पानी भी मिली, सूरज की रोशनी, सन भी मिली, और एयर तो हमेशा हमारे चारों ओर हमेशा होता है. सो किसी भी सीड को बढ़ने के लिए एयर, वाटर, सनलाइट चाहिए होता है. सो उस बेरी सीड को ये सारी चीज़ें मिल गई और वो वहाँ पे उगने लगा. अवर लिटिल प्लांट, अवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन.
सो हमारा छोटा सा बेरी प्लांट उग गया है, एक छोटा प्यारा सा पेड़। ऐसा यहाँ पे बच्चे उस पेड़ को देखकर खुश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ना पिक्चर में अ बॉय एंड अ गर्ल, ओके, ये दोनों बड़े ही खुश हो रहे हैं उस छोटे से पौधे को देखकर। नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग, क्रॉस एंड बर्ड सॉन्ग, क्रॉलिंग एंट्स एंड स्पाइडर्स वेब, कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स, रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ अप्लेंटी। सो ये बच्चे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सो नाउ अ ट्री, अभी तो छोटा सा पौधा है, अब एक बड़ा सा पेड़ उगेगा, अब यही छोटा पौधा एक बड़े से पेड़ में बन जाएगा। विथ ब्रांचेस लॉन्ग, उस ट्री के बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे ब्रांचेस होंगे, टहनियाँ होंगी, उन टहनियों पे क्रॉस एंड बर्ड सॉन्ग, उन ब्रांचेस पे कौन आकर बैठेंगे जब ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा, उस पर क्रॉस आएंगी, बर्ड्स आएंगी और गाना गाएंगी, उनकी चिरपिंग जो साउंड, बर्ड्स की जो चिचिहाने की साउंड होती है उसको यहाँ पे सॉन्ग कहा गया है, बहुत मीठी सी गाना। क्रॉस एंड बर्ड सॉन्ग, क्राउलिंग एंट्स एंड स्पाइडर्स वेब। सो पेड़ के ऊपर और कौन से इंसेक्ट्स रहते हैं, पेड़ों पे आपने देखा होगा ना कई बार वहाँ पे बहुत सारी एंट्स होती हैं, चींटियाँ, चींटियों ने अपना घर बनाया होता है पेड़ों पर, उस पर स्पाइडर्स भी रहते हैं। सो क्राउलिंग एंट्स, क्राउलिंग मतलब चींटियों का चलना, ज़मीन पर जो चलते हैं उनको हम कहते हैं क्राउलिंग। सो क्राउलिंग एंट्स, कई सारी चींटियाँ क्राउल कर रही होंगी पेड़ के ऊपर, एंड स्पाइडर्स वेब, और स्पाइडर्स ने अपना वेब भी बनाया होगा, स्पाइडर्स के लिए वेब ही उनका घर होता है। कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स, और उस पेड़ के ऊपर कई सारे छोटे छोटे कैटरपिलर्स होंगे जिनके छोटे छोटे पैर भी होंगे। रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ अप्लेंटी, उस ट्री के ऊपर कई सारे ग्रीन हरे लीव्स होंगे, पत्तियाँ होंगी जिनमें बहुत सारा लाइफ होगा, जीवन होगा। ओके चिल्ड्रेन, सब देख सकते हैं कितना अच्छा बताया गया है ट्री के बारे में। ट्री जो है बड़ा होता है, उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, उसके ऊपर कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अपना घर बनाकर रहती हैं। इसका मतलब पेड़ कई सारे एनिमल्स के लिए घर भी है, मंकीज़ भी रहते हैं पेड़ों के ऊपर, वहाँ पे स्पैरोस, कई सारे डिफरेंट बर्ड्स आती हैं, एंड स्क्विरल भी आता है, आपको पता है स्क्विरल, गिलहरी। सो गिलहरी भी अपना घर पेड़ों पर ही बनाती है। सो सी इन द पिक्चर, कितने खुश हैं बच्चे इस छोटे से प्लांट को देखकर। द ट्री हैज फ्रूट, सम बिग सम स्मॉल, लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल। सो अब हमारे पेड़ के ऊपर फ्रूट्स भी हैं। द ट्री हैज फ्रूट, सम बिग सम स्मॉल, कुछ फ्रूट बड़े हैं कुछ छोटे हैं। लेट अस प्लक देम, सो चलो हम उनको तोड़े। PLUCK प्लक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। PLUCK प्लक मतलब तोड़ना, चाहे आप पेड़ों पे से फूल तोड़े या फ्रूट को तोड़े, तोड़ने को हम क्या कहते हैं, प्लक। लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल, सो चलो हम उन फ्रूट्स को तोड़े मगर ध्यान रखो गिर ना जाएं, बट डू नॉट फॉल। क्रॉस पर्च, स्क्विरल्स रन एंड सी द मंकीज हैविंग फन। सो क्रॉस क्या करते हैं, क्रॉस पर्च, पर्च मतलब बैठना, कौवे आके पेड़ों पर बैठते हैं। स्क्विरल्स रन, जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्विरल मतलब गिलहरी, सो स्क्विरल्स क्या करती है, पेड़ों पे ब्रांचेस पे यहाँ से वहाँ भागती हैं। एंड सी द मंकीज हैविंग फन, और इन मंकीज को देखिए वह कितना मस्ती करते हैं। ओके, आपने देखा ही होगा ना मंकीज, दे जंप फ्रॉम वन ट्री टू ट्री, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, वह एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर, एक टहनी से दूसरी पेड़ पर छलांग लगाते ही रहते हैं। सो सी इन द पिक्चर, ट्री, वेरी बिग ट्री इज देयर, देर आर सो मेनी बर्ड्स, फ्रूट्स लगे हुए हैं, मंकीज वहाँ पे जंप कर रहे हैं, बच्चों झूला करके, झूला लगाकर झूल रहे हैं। सो एवरीबडी इज एंजॉइंग ऑन द ट्री, सब लोग पेड़ के ऊपर बड़े ही मज़े कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रिटी स्विंग्स, सो ट्री की ब्रांचेस कैसी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मोटी और बहुत ताकत वाली ब्रांचेस है। विथ प्रिटी स्विंग्स, उन ब्रांचेस पे बड़े ही सुंदर झूले भी लटके हुए हैं। आवर ब्यूटिफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग्स, हमारी सुंदर सी पेड़, उसके ऊपर कितनी सारी चीज़ें हैं, हैज सो मैनी थिंग्स,
मतलब पेड़ के ऊपर कितनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, ऐसा यहाँ बोला गया है. सो इट्स अ वेरी नाइस लेसन अबाउट अ ट्री. इस लेसन के द्वारा हमें ट्री की इम्पोर्टेंस बताई गई है, पेड़ हमारे लिए किस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमें पेड़ों को बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए. ओके चिल्ड्रेन, सो हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन? प्रणब एंड स्मिता चक्रवर्ती. ये लेसन हमारे प्रणब एंड स्मिता चक्रवर्ती जी ने लिखा है. सो लेट अस डू द एक्सरसाइज न्यू वर्ड्स. सो यहाँ पे तो बहुत थोड़े से न्यू वर्ड्स है, अगर आप अपने आप लेसन रीड करेंगे यू विल फाइंड सो मैनी न्यू वर्ड्स. आपको कई सारे नए शब्द यहाँ पे मिल सकते हैं. उन सारे वर्ड्स को आप कहीं पे भी लिख सकते हैं क्लास वर्क में या रफ बुक में, और उनको रीडिंग प्रैक्टिस करना है. ओके चलिए रीड करें न्यू वर्ड्स. बेरी, BERRY, बेरी. कैटरपिलर, CATERPILLARS, कैटरपिलर्स. NEST, नेस्ट. RAIN, रेन. TREE, ट्री. नाउ लेट्स रीड. क्लाउड्स ब्रिंग रेन, CLOUDS, क्लाउड्स. BRING, ब्रिंग. RAIN, रेन. क्लाउड्स ब्रिंग रेन, ऐसा कहा गया है बादल बारिश लाते हैं. द ट्री हैज ब्रांचेस, THE, TREE, ट्री. HAS, हैज ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस. पेड़ों के टहनियाँ होती हैं. नाउ रीडिंग इज फन. वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट? सो लिटिल बर्ड, छोटी सी पक्षी ने फ्रूट को कहाँ पर देखा? सो अ लिटिल बर्ड सीज फ्रूट ऑन अ ट्री. सो छोटी सी बर्ड ने फ्रूट को पेड़ पर देखा. वॉट डज शी डू? सो उस बर्ड ने क्या किया? फल को देखने के बाद उस बर्ड ने क्या किया? शी एट द फ्रूट, उसने उस फल को खाया. वॉट हैपन्स वेन शी ईट्स द बेरी? जब उसने उस लिटिल बर्ड ने बेरी को खाया तो क्या हुआ? वेन शी ईट्स द बेरी अ सीड फॉल्स डाउन. सो जब वो उसने फल खाया उसके बाद उसका फल का सीड नीचे गिर गया. ओके नेक्स्ट, अगला एक्सरसाइज, लेट्स टॉक. वेयर डू बर्ड्स लिव? बर्ड्स कहाँ पर रहती हैं? सो बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट. सारी बर्ड्स अपने घोंसले में रहती हैं, और घोंसला कहाँ पे बनाती हैं? कई बार पेड़ों पे, ब्रांचेस के ऊपर, या हमारे घरों के छत पर भी बनाते हैं. हैव यू सीन एनी बर्ड नियर योर हाउस? क्या आपने किसी बर्ड को अपने घर के आसपास देखा है? येस वी हैव सीन मैनी बर्ड्स. हम अक्सर अपने घर के आसपास कई सारे बर्ड्स को देखते हैं. डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश एंड इन योर ओन लैंग्वेज? क्या उन बर्ड्स के नाम आपको इंग्लिश में या अपनी खुद की भाषा में जानते हैं? येस वी हैव सीन क्रो. क्रो को तो हम कौवा भी कहते हैं, कागड़ो. ओके पैरट, पोपट. सो स्पैरो, चकली. हमने कई सारे अलग अलग बर्ड्स को देखा है, पिजॉन, कबूतर. ओके चिल्ड्रन, सो मैनी बर्ड्स वी हैव सीन. नाउ सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री. यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों के पिक्चर्स दिए गए हैं. इसमें आपको जो ट्री पे दिखाई देते हैं उन चीज़ों के ऊपर आपको सर्कल करना है. ओके चिल्ड्रन, सो आपने पेड़ तो देखे ही. सो पेड़ के ऊपर बी हाइव, मतलब मधुमक्खी का छत्ता. सो बी हाइव आपने देखा है पेड़ों पर? यस, सारे बीज अपना बी हाइव पेड़ों पर ही बनाते हैं. सो दिस वी कैन सी ऑन द ट्री, बी हाइव. क्या पेड़ों पे हमारे क्लोथ्स होते हैं? नो वी नेवर सी क्लोथ्स ऑन द ट्री. क्रोस, यस बर्ड्स आके पेड़ों पर बैठते हैं. सो क्रोस वी कैन सी ऑन द ट्री. पेंसिल, नो वी कैन सी पेंसिल इन अवर कंपास, नॉट ऑन अ ट्री. काइट, यस कभी कभार काइट्स, उत्तरायण में जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो हमारे पतंग कहाँ पे फंस जाते हैं? जाकर सब ट्रीज के ऊपर फंस जाते हैं, और हम देख सकते हैं उनको पेड़ों पर फंसे हुए. लीव्स, यस सो लीव्स तो सारे ट्रीज पे ही होते हैं, एंड वी कैन सी देम. एंट्स, यस चीटियाँ, ये सब अपना छोटा छोटा घर पेड़ों पर ही बनाते हैं. बुक, नो वी डोंट फाइंड बुक ऑन द ट्री. सो दीज आर द थिंग्स विच वी फाइंड ऑन द ट्री, बी हाइव, क्रोस, लीव्स एंड
kite. Okay, children. So with this we have completed the lesson. हमने छोटे छोटे एक्सरसाइज थे जो लेसन में जो हमने कर दिए हैं, और बहुत ही अच्छा लेसन है. आप इसको अच्छे से रीड करिए. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द लेसन अगेन, वर्ड टू वर्ड. सो टेक केयर, बाय बाय.